प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की सुबह के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर, हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज बोले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते कि हमें नया जीवन दिया। हालेलुया, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें ताकत देता है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का दिन हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। आज नया ग्रेस दे, नया अनुग्रह दे आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। हमें नई अनुग्रह की जरूरत है, नई ग्रेस की जरूरत है आज के दिन में परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारी आवाज आप तक पहुंचे, हमारा प्रार्थना करना, हमारा परमेश्वर पिता धन्यवाद करना, हालेलुया, आपके ग्रहण योग्य ठहरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हर एक जनों को आज के दिन परमेश्वर संभाल के रखा, नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अति करुणामयी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हम तेरा धन्यवाद करते कि आपने हर एक जनों को परमेश्वर अंधकार में से निकाल कर प्रभु यीशु अपनी ज्योति में लेकर आया परमेश्वर पिता, और अपने ज्ञान और अपनी समझ से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो हमें कुछ नहीं पता था, हमें जो परमेश्वर कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, हालेलुया, सचमुच परमेश्वर आपने नया दिन दिखाया प्रभु जी, हरे बुद्धि और समझ दिया परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। किसी भी बात की चिंता मत कर, परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता करना छोड़ दे, कल की चिंता अपने आप कर लेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, धन्यवाद यीशु। दो प्रकार की चिंताएं होती है, एक ऐसी चिंता होती है जो हम चिंता करते हैं लेकिन फिर हम क्या हो जाते हैं, ओके ठीक है प्रभु ठीक करेगा, और इस रीति से उसे छोड़ देते हैं। लेकिन एक दूसरी चिंताएं होती है जो हम चिंता करते हैं, इतनी ज़्यादा चिंता करते, उसके बारे में रात दिन सोचते रहते, सोते समय, उठते समय, और हर समय वो हमें तंग करती हैं, और ये ऐसी चिंता बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक होती है, जो हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, और इस वजह से हालेलुया वो बीमारियों को लेकर आती है। और शैतान यही चाहता है कि आप हमेशा चिंताओं में रहें, आप परमेश्वर पर भरोसा ना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करें, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो और मुझ पर भरोसा करो, और देखो वो अद्भुत कामों को जो मैं तुम्हारे जीवनों में काम करूँगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रीस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, चिंता जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो दुष्ट शैतान की ओर से है।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चिंता करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें हर एक छोटी सी छोटी बातों के लिए। हालेलुया। और एक जगह हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखो। हालेलुया। और एक जगह जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वहां लिखा है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो अद्भुत कामों को करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मुझ पर हर समय, हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ने बार बार कहा है कि मत डर, मत घबरा, देख मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। प्रभु कहते अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दें और उस पर भरोसा रख। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और देख मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करूँगा। और हम जब प्रार्थना करते तो ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर का नाम क्या है, उसका नाम अद्भुत है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि उसका नाम अद्भुत है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। यदि आप चाहते अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना तो हम एक वचन पढ़ेंगे और वो कहता है कि सचमुच में इसका नाम तो अद्भुत है। यीशु का नाम है अद्भुत और महान, और इसलिए वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर उसे दर्शन देता है, उससे बात करता है और वो पूछता है बता तेरा नाम क्या है, और वो कहता है कि मेरा नाम तो अद्भुत है। हाँ, और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब 13:15 में पढ़ते हैं, मानोक ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए एक बकरी का बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानोक से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत कहता है, तू मेरे लिए कुछ मत कर, जो करना है तू परमेश्वर के लिए कर। मानो तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। तब मानो ने अन्य बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते ही एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते ही देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानो ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उसे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ में होमबलि अन्न बलि ग्रहण नहीं न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसने पूछा मानो ने कि बता तेरा नाम क्या। रोग कहता है, मेरा नाम अद्भुत है। और इसलिए हम जब गीत गाते हैं कि यीशु का नाम है अद्भुत और महान, और उसके नाम से होते हैं अनोखे काम। और यहाँ पर हम अनोखे काम को देखते हैं और वो पूछता तेरा नाम क्या, तो वो कहता है अद्भुत है। और देखो उसके देखते ही देखते क्या हो गया, ऊपर से आकाश से क्या हुआ, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी के लौ में, उस लौ का जो दूत है उस लौ में, मतलब लौ का मतलब क्या होता है, आग में होकर मानो और उसकी पत्नी को देखते ही देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। और देखो एक अद्भुत काम देखते हैं, उसका एक बेटा उत्पन्न होता है। यदि आप प्रार्थना में ये कहें कि परमेश्वर तेरा नाम तो अद्भुत है, तेरा नाम तो महान है, तो अद्भुत कार्य करने से अति प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर आज मेरे जीवन में भी अद्भुत काम कर, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ कि आपका नाम अद्भुत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। उसका नाम अद्भुत और महान है। यदि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि प्रभु तेरा नाम तो अद्भुत और महान है परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन में अद्भुत काम कर परमेश्वर पिता। सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने मानव के जीवन में अद्भुत काम किया तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, निकल जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के द्वारा बात किए कि सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है जब हम परमेश्वर के वचन को कहते हैं हालेलुया और रिलीज करते हैं कि प्रभु तू अद्भुत काम करता है। हालेलुया, यदि विश्वास के साथ यदि इस हालेलुया प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तो आज आप अपने जीवनों में अद्भुत कामों को देखोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने पति के जीवन में, अपने पत्नी के जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, अपने परिवार में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, अपने जीवन के क्षेत्र में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, तो आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करते हुए कहें कि परमेश्वर तेरा नाम अद्भुत है और आप अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, तो अद्भुत काम किसके जीवन में होंगे? मानव ने क्या किया? परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। पहले से ही हालेलुया, उसके पास कुछ नहीं मिला था, उससे पहले वो जब भी जब दूध बात करते थे हालेलुया, तो सबसे पहले आदर मान करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो उसने जल्दी, जो पहले पुराने समय में देखते हैं कि लैम को हालेलुया पकाकर जल्दी से बेस्ट टू बेस्ट परमेश्वर के लिए हालेलुया क्या करते हैं, हालेलुया ऑफर करते हैं, प्रभु को चढ़ाते देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। लेकिन मानव को नहीं पता था कि वह तो परमेश्वर का दूत है, उसे नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने आदर और सत्कार किया, मतलब परमेश्वर के लिए क्या किया, भेंट चढ़ाया प्रभु के लिए। हालेलुया, तो सचमुच में परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया। हालेलुया, अद्भुत काम कौन देखेगा? जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखता है, जो परमेश्वर के लिए क्या करता है, हालेलुया, अपने हृदय को खोल देता है। हालेलुया, जो परमेश्वर के लिए आदर और सत्कार करता है, उसका आदर करता है। हालेलुया, जिस तरीके से मानव ने किया, उसका आदर सत्कार किया, भोजन खिलाया। हालेलुया, तो सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया और प्रकट करके दिया कि देख मेरा नाम अद्भुत है और मैं अद्भुत कामों को करने से अति प्रसन्न होता हूँ। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करना चाहता है। यदि आज आप अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, यदि आज हालेलुया प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, तो प्रभु भी आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जिस तरीके से मानव ने और उसकी पत्नी ने दोनों मिलकर हालेलुया अतिथि सत्कार किया परमेश्वर के दूत के लिए, जब उन्हें पता चला वो हैरान हो गए, इसी तरीके से अब्राम और सारा ने भी अतिथि सत्कार किया, उसके घर में आए। हालेलुया, उन्होंने बेस्ट, उसको सारा को कहा जा तू बेस्ट टू बेस्ट क्या कर अतिथि के लिए, जो परमेश्वर के जन है उनके लिए तू खाना पका। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलग अलग तरीके के दूत हैं, एक ऐसे वे दूत हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं और जो हमारी मदद के लिए दिया गया, लेकिन उन्हीं को देता है परमेश्वर मदद के लिए, जो जिनका मन परमेश्वर से, जो प्रार्थना में, जो परमेश्वर के वचन में, जो सचमुच में, जो आत्मा के लेवल में बढ़ते जाते हैं, तो जो आत्मिक लेवल में बढ़ते हैं उनके लिए परमेश्वर उन दूतों को देता है। हालेलुया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है, जिस तरीके से हालेलुया पहले बताया था कि परमेश्वर दूत को भेजता है और वो काम करते हैं, पृथ्वी में रहते हैं। हालेलुया, और जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी चीज़ को मांगते हैं, तो वो जाकर वहाँ रख देता है, काम करता है, आगे आगे वो चेंज कर देता है उन चीज़ों को। ऐसे अब दूत है, वो दूत को यदि चाहते कि ऐसा स्वर्गदूत मेरे जीवन में आए, डिवाइन हेल्पर आए, तो आज अपने अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना होगा। हालेलुया, हर एक बातों के लिए, हर एक विषय के लिए, इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करना परमेश्वर की ओर से नहीं है, सॉरी चिंता करना किसकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं है, किसकी ओर से, शैतान की ओर से चिंता करना। प्रभु चाहता है कि तू चिंता मत कर, लेकिन शैतान क्या चाहता है कि तू हमेशा चिंता में पड़े रह, तू सोचते रह, तू डरते रह, तू घबराते रह, तू सोचते रह, लेकिन परमेश्वर की ओर से क्या है, प्रभु कहता है कि तू चिंता मत कर, लेकिन तू प्रार्थना कर। हालेलुया, जो किस कुछ भी आपके जीवन में, हर एक छोटे छोटे विषय है, कुछ भी है, परमेश्वर का वचन कहता है 2 तिमोथी में कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रख और तब देख तेरे जीवन में अद्भुत काम होते हैं कि नहीं होते। और एक जगह जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब में, वहां पर लिखा है हालेलुया
वहां पर हम एक वचन को पढ़ते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि तू परमेश्वर पे भरोसा भी नहीं कर सका। हालेलुया, इसलिए तेरे जीवन में क्या नहीं हो रहे, वो काम नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि तू हर एक विषय के लिए तुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और तुझे देखकर ये लगता है कि तू बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता, तू अपने आप पर भरोसा रखता है, इसलिए तो अपने जीवन में क्या हो रहा है, तो गिर रहा है। छोटी सी छोटी चीज के लिए यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, प्रार्थना करोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर क्या नहीं करना चाहता, हालेलुया, वो आपको क्या नहीं करना चाहता, क्या नहीं देखना चाहता, वो नहीं देखना चाहता कि बेचारे हो जाए, आप ये हो जाए, किसी इंसान पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि देख इंसान पर भरोसा मत रख, क्योंकि उसके जीवन में उसके इंसान के ऊपर, हालेलुया, क्योंकि उद्धार करने की एक भी शक्ति नहीं है, वो तेरा उद्धार नहीं कर सकता, मतलब तेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा, भरोसा करेगा, प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरे डिवाइन हेल्पर को, ईश्वरी मददगार को, जो ऊपर से मदद आएगी वो बेस्ट होगी, हालेलुया, और उसमें कोई नुकसान नहीं होगी, हालेलुया, उसमें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन वो बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, तो सच में परमेश्वर उस अद्भुत कामों को करता है, डिवाइन हेल्पर को रिलीज करता है, अद्भुत रीति से काम करता है, हमारे सोचने से भी बढ़कर, हालेलुया। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से मांग रहे हो, तो सचमुच में आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ, जो प्रभु आपके लिए करना चाहता है, हालेलुया। इसलिए आइए आज अपने आप को सरेंडर करें, ये बोलते हुए कि परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ सुबह के समय में, हालेलुया। प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते, आज जिस तरीके से मानव के जीवन में अद्भुत काम किया, अब्राहम और सारे के जीवन में अद्भुत काम किया, उसी रीति से प्रभु जी मेरे जीवन में भी अद्भुत काम कर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु जी अद्भुत काम कर, मदद कर, सहायता कर, परमेश्वर पिता जी जो चाहते हैं, परमेश्वर पिता बोलो, परमेश्वर मैं अपनी खुद ही और अपनी मर्जी नहीं करूंगा, प्रभु तेरी मर्जी को करूंगा, आपकी मर्जी हो मेरे जीवन में, हालेलुया, ताकि तेरे परमेश्वर अद्भुत कामों को मैं देख सकूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। धन्यवाद, कई बार हमें लगता है कि ये सब सही हो रहा है, लेकिन वो जो होती हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में वो सही नहीं होता, इसलिए आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जो आप चाहते वो मेरे जीवन में पूरा कर, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, जो बेस्ट है वो मेरे जीवन में वो दे परमेश्वर पिता, हानि और नुकसान जो आते हैं उसको दूर कर, डिस्ट्रॉय कर और कैंसल कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, मेरे जीवन में बेस्ट एंड बेस्ट दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम और सारे के जीवन बेस्ट दिया, मानो के जीवन में बेस्ट दिया, हालेलुया, हन्ना के जीवन में बेस्ट दिया, अय्यूब के जीवन में बेस्ट दिया, उसी प्रकार से जितने मांग रहे उनके जीवन में भी परमेश्वर बेस्ट देना परमेश्वर पिता, हालेलुया। जिसमें डिसीजन ले वो बेस्ट हो, आशीषित होकर बदल जाए, पछतावा करना ना पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में, पछतावा ना हो डिसीजन लेने के बाद, प्रार्थना करते डांटते एक सैटेनिक स्पिरिट को गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो के मन को भटकाता है प्रभु से दूर करता है, चर्च जाने के लिए रोकता है, बाइबल पढ़ने के लिए रोकता है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ आलसी वाला जीवन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कई लोग प्रार्थना में ढिलाई करते हैं, सो जाते हैं, यदि तू नींद में रहेगा तो तू दरिद्र हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा, तू गरीब हो जाएगा, हर चीज तेरे से खत्म हो जाएगी, तेरे जीवन से निकल जाएगी, वो अभिषेक कम हो जाएगा, तेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब सोए ना, इसका मतलब ये कि आत्मा में जागते रहे और जो भाग है परमेश्वर को समय दे, हालेलुया। नींद से ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। कई लोगों को प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बोलते थोड़ा और सो लेने दो, थोड़ा ये कर लेने दो, थोड़ा वो कर लेने दो, प्रार्थना बाद में कर लेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, यदि आप अद्भुत कामों को देखना चाहते हो हालेलुया, तो प्रार्थना करना शुरू कर दो, मिड नाइट प्रेयर करना शुरू कर दो, हालेलुया, अपना भाग परमेश्वर को देना शुरू कर दो, अपना टाइम परमेश्वर को देना शुरू कर दो, तब आप देखोगे अपने जीवन में ग्रेट टेस्टिमनी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में देते परमेश्वर पिता, जितने लोग को वचन को सुना ये 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, 30 गुना 60 गुना 100 गुना परमेश्वर फल लेकर आने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार इसी वक्त राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे रह जाते, जो अद्भुत काम की घोषणा करते, इसी वक्त हड्डी की दर्द, हड्डी की रोग, हड्डी की परेशानी, गेट आउट, हालेलुया, बाय फायर गेट आउट इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो रिसीव कर रहे हैं आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक सिकनेस, हर एक वीकनेस, हर एक डिसीज परमानेंट गेट आउट। जितने सालों से जो प्रॉब्लम्स चल
चल रही है, बीमारियां चल रही हैं, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है वो ये, और यीशु ही हीलर है, ग्रेट हीलर है, डिलीवरर है, चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला, मदद करने वाला यीशु ही चंगा करता है। याद रखो, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आए और चंगा हो जाए, परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आए और चंगे हो जाए। परमेश्वर के ये जो आज जो वचन सुना है, ये वचन परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की आवाज आज तक आप तक आपके कानों में पहुंचे, हर एक लोगों में पहुंचे और अब डिलीवर हो जाए, आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि यीशु अद्भुत काम करता है, उसके नाम में छुटकारा, उसके नाम में चंगाई है। ओ धन्यवाद यीशु, बी हियर एंड बी डिलीवर, आजाद और चंगे हो जाए, हालेलुया की परिस्थिति बदलने शुरू हो जाए, अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हेडेक, आपका डिप्रेशन जाए, निराशा से पार आए, आपके कोर्ट के से आजाद हो जाए, झूठे के से आजाद हो जाए, आपका जमीन का केस जो चल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बेफ्रे इन द मैटर नेम ऑफ जीसस का है, और आपके हक में हो जाए, आपका डॉक्टर का पेपर आपके हक में हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ग्रेट टेस्टिमनी आपके जीवन का हिस्सा और भाग हो, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती अद्भुत कामों को मैं रिलीज करती, मिरेकल को रिलीज करती आपके जीवन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, हालेलुया, आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके हाथ की कमाई के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर लड़ाई के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाए और शांति को मैं घोषणा करती हूँ, हालेलुया। एस्टैब्लिश करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, स्थापित करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट, मार पीट की स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गुस्से की आत्मा, गुस्से की स्पिरिट जाए, चोरी करने वाली आत्मा आपके जीवन से जाए, झूठ बोलने वाली आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्टात्मा आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी जिंदगी से, आपके आपके स्वभाव से यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। यीशु के स्वभाव में आ जाओ, यीशु को पहन लो, उसके निकट आ जाओ और देखो आप अपने जीवन में कैसे ब्लेस नहीं होते, कैसे आशीष नहीं होते यीशु के नाम में बोलते हो। इसका मतलब यीशु का नाम का मतलब होता है उसके स्वभाव। मैं प्रार्थना करती यीशु के स्वभाव से परिपूर्ण होते जाओ, वचन से परिपूर्ण होते जाओ और ब्लेसड होते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसलिए फिलिपींस चैप्टर 2 एंड वर्स 5 में पढ़ते हैं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, ताकि कोई शैतान आपके पर हावी ना हो सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। लेविटिकस चैप्टर 19 में कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो, व्यवस्था की किताब 19 अध्याय पहला वचन। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बी हील एंड बी डिलीवर्ड, पवित्रता ही आपके जीवन का भाग्य हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, जहाँ जहाँ आप जाओगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, यदि आप टूर में ट्रेवल्स में हैं, जर्नी में, यीशु के लव में कवर करती प्रभु के साथ रहे। जो हॉस्पिटल में एडमिट है फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा शंतर लबा कतिरा, ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ओ रबा शंतर लबा कतिरा लबा कतिरा, प्रभु यीशु की तारीफ हो, हालेलुया। मैं नहीं जानती, एक वकील है, हालेलुया, जो देख रहा है, हालेलुया, और वो बहुत परेशान है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त देख रहा नहीं, देख रही है, वो वकील है, हालेलुया, और बहुत परेशान है, हालेलुया, रबा शंतर लबा कतिरा, हालेलुया। आप जो कोई भी हैं, हालेलुया, आप कमेंट करके बताएं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर में गवाही देने वाला जो नंबर है 103 वाला नंबर, वो नंबर बताओ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु के तार, आप उसे मैसेज करें, थैंक यू जी, व्हाट्सएप नंबर, हालेलुया, प्रभु यीशु रबा शंतर रबा कतिरा, ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। राइट नाउ, और आप रो रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि आप ऐसी और आप ऐसी परिस्थिति में घिर चुके, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, हालेलुया, मुझे नहीं पता आप कौन है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु रबा शंतर रबा कतिरा रबा कतिरा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, वो नंबर है 7087333103, फिर से बोलना 7087333103, इस नंबर पे आप मैसेज करें, हालेलुया, रबा शंतर रबा कतिरा, ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीज। हम प्रार्थना करते अपने सर के ऊपर हाथ रखें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु ले परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु को सुनना चाहता है, परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है, आपकी निराशा को दूर करेगा, आपको उस डिप्रेशन से आजाद करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, ओ रबा शंतर रबा कतिरा रबा कतिरा रबा कतिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, धन्यवाद, हर एक फॉल्स की आत्मा, हर एक फॉल्स का स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु मसीह के
सामर्थ्य नाम में हालेलुया स्वर्गदूतों के बाड़े में रखती, यीशु के लहू में कवर करती आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बाबा जी शूले परमेश्वर पिता, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन आपने मैसेज करना है और आपने चर्च में भी आना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु की तारीफ। प्रभु को छुड़ाना चाहता है, आपको डिलीवर करना चाहता है, आपके लिए प्रेयर होगी, आप चर्च में आए। धन्यवाद यीशु। अपना नाम बताओ, कहाँ से आप व्हाट्सअप मैसेज करें, जो आपको नंबर बताया गया है व्हाट्सअप नंबर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सचमुच में प्रभु को आजाद करना चाहता है, आपको छूकर चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। जो भी परिस्थिति में फंसे हो, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन प्रभु ने बताया आप चर्च में और आपके लिए प्रार्थना होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, बेफ्री यीशु के सामर्थ्य नाम प्रार्थना करती। जो लोग परेशान है, जो प्रॉब्लम है, चर्च में आए, प्रार्थना करवाएं और सचमुच आप अद्भुत कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी शूले परमेश्वर पिता, टश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जा, गवाही के सत्ता पर सर रब शांति रे लब कतिर। प्रभु शूले हर एक लोगों के जीवन मदद कर, सहायता कर, ग्रेट हेल्पर को, डिवाइन हेल्पर को इनके जीवन इनके परिवार में भेजते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप जो चर्च में आना चाहते हैं, आपके जिनके लिए परमेश्वर ने बताया, हाले आप एड्रेस आप देख सकते हैं इस मीटिंग के बाद, और एड्रेस को नोट करें और आप यहां पर आ जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जो बॉर्डर पर उनको यीशु के नाम में कवर करती, बचाना संभाला। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनको ब्लेस करते, आपके बिजनेस को ब्लेस करते हैं। जो आपको छोड़ दिया या घर से बाहर निकाल दिया है, यीशु के नाम में कवर करते। प्रभु कहता देख, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साया को। प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु को आशीष दे और बढ़ाता जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आत्मिक जीवन बढ़ते जाए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें दृढ़ता के साथ और मजबूती के साथ। फिर प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता का। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना परमेश्वर पिता। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर पिता इस विनती को यीशु के नाम से मांगता, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आज की जो संडे प्रेयर सर्विस है 9 बजे होगी, तो टाइम से पहले पहुंचे, अपने आशीषों को बुक कर लो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसका भी एक सीक्रेट है। हालेलुया, कि हम अपने आशीषों को पहले कैसे पाए, कि पहले कैसे लें। हालेलुया, कई बार क्या होता है, हमारी आशीषें रखी जाती है, लेकिन जब हम नहीं आते तो वो आशीषें किसी और को मिल जाती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए आए पहले और अपने आशीष को लें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर को अपनी ओर खींच लो, यही तो है खींचना, जब हम परमेश्वर के भवन में जल्द आते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो 9 बजे जो प्रेयर मीटिंग स्टार्ट होगी, तैयार हो जाएं। हालेलुया, जो ऑनलाइन जो दूर में रहते आप भी, और ये मत सोचो घर में तो ठीक है कभी भी देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपने बैठना प्रॉपर, जैसे मीटिंग होता है वैसे ही बैठना, कहीं आना जाना नहीं है। हालेलुया, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया, जो लोकल है सब लोग आए परमेश्वर के भवन में और आशीषों को लें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी भेंट, अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी ऑफरिंग ऑनलाइन पेमेंट बैंक के थ्रू दे सकते हैं। जो भवन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रे लाइन सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया, अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। जो चर्च में आना चाहते हैं, आप इस एड्रेस को नोट करें और चर्च भवन में आए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और जो गवाही देना चाहते हैं, चर्च में आकर जीवित गवाही दें। जब आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके जीवन में आएगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु को आशीष दे। और जिस तरह की सुबह की प्रार्थना शाम की प्रार्थना होती है, एज इट इज होगी। हालेलुया, हर एक मीटिंग को अटेंड कर, आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, हालेलुया।